अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाजिया और मैं अपने चैनल वंडर्स ऑफ किचन में आपको वेलकम कहती हूं। हमारी आज की रेसिपी है इंस्टेंट मैंगो पिकल, जिसे हमने सिर्फ 10 मिनट में तैयार किया है, जिसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। आम का अचार बनाने के लिए हम सबसे पहले अचार का मसाला रेडी करेंगे, जिसके लिए एक पैन लिया है। अब इसमें राई दाना डालेंगे और राई दाने को 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। राई अच्छी तरह पक चुकी है, अब हम इसमें मेथी दाना, जीरा, साबुत धनिया, कलौंजी और काली मिर्च शामिल करेंगे। सब मसालों को खुशबू आने तक और हल्का सा कलर चेंज हो जाने तक पकाएंगे। मसाले पक चुके हैं, अब इन्हें हल्का सा ठंडा कर लेंगे और फिर ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी तमाम रेसिपी सबसे पहले मिले। अचार का मसाला ग्राइंड हो चुका है, अब एक पैन लेंगे, फ्लेम को लो रखेंगे और इसमें ऑयल डाल देंगे। केरियों को इस तरह से हमने काट लिया है, अब ऑयल में केरियों को डाल देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, ज्यादा तेज नहीं होती, आमचूर पाउडर और अजवाइन। सब मसालों को मिक्स कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। मसाले पक चुके हैं, अब जो अचार का मसाला हमने रेडी करके रखा है वो डालेंगे। अचार का मसाला पका हुआ है, इसलिए हम ज्यादा नहीं पकाएंगे। केरी का अचार तैयार है, आप इसे 2 से 3 वीक्स के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो रेडी है हमारा इंस्टेंट चटखारेदार केरी का अचार, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। आप YouTube पर वंडर्स ऑफ किचन की और भी रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं और पसंद आए तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।